आज क्या मजा आना पे धूप पे? बड़ा मजा आना है, देख के बड़ा मजा आना। अच्छा विजेंद्र को मजा आ। अच्छा देखो सामने यार, धूप निकलने के बाद ना अंकल असलम जो है छत के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों और मामियों, चाचियों, नानियों, खालाओं, फूफियों और मामू, चाचे, नाने, सारे कैसे हो? सब ठीक हो? खैरियत से हो? मेरे सब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज तुम लोग देखो मेरे हाथ में ये टिफ़न है, सुबह सुबह आज मुझे सुबह सुबह टिफ़न दे दिया, मुझे पाए पके हुए हैं भाई। और आप ये ले कर जाओ साथ में, और जो रोटियाँ हैं आप बाज़ार से ले लेना, क्योंकि गैस का जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, तो इस वजह से। तो अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ दुकान की तरफ। जो मौसम है ना यार, देखो ये धूप निकली हुई है, हल्की हल्की सी धूप निकल तो रही है, सूरज ने आग निकाली तो हुई है, उम्मीद तो है कि धूप निकल आएगी आज। चलो फिर जाते हैं दुकान पे, जा रहे हैं दुकान पे, जाके फिर मिलते हैं। यार दुकान पे जो है मैं पहुंच चुका हूँ, और लाइट भाई जो फिर से बजा चुकी है। और तुम लोग दिखाऊं, ये कल स्टूल जो मैंने बनाया था स्टूल भाई, ये फिर से नाराज़ होकर फिर से टूट गए। शुक्र है फिर से मैं गिरा नहीं, उसके ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ से फिर से टूट गया। ये देखो भाई, मैं देख रहा हूँ, मैंने एल सी डी लगाई थी इसके ऊपर, मगर ये भाई फिर से नाराज़ होकर टूट गए मुझसे। और एक भाई और है हाथ बांध के मुझे बड़ा गौर से देख रहे हैं कि पागल हो गया है, क्या कर रहा है, मोबाइल निकाल के कर क्या रहे हैं। देख रास्ते में जा रहे हैं वापस। बोले हड्डियाँ बोले चमड़ा, हाय मैं ठहर गई धुंध को सजना, तेरे बिंजी नहीं लगदा हूं तो बैर निकला, मैं सूरज हूं तो बैर निकला। सूरज निकल चुका है भाईजान, और आप लोग जो है बाजार का माहौल चेक कर सकते हो। बाजार में जो है अमरा शुरू हो चुकी है, अभी जो है मैं अपने छत पे हूँ मौजूद। लाइट थोड़ी सी मेरी हिली हुई थी तो मैंने कहा चलो उससे आके सेट कर लूँ, तो तुम लोगों को ऊपर से दिखा भी दूँ बाजार। और ये अरशद भाई के जो है कपड़े रंगे हुए पड़े हैं, ये रियाज अहमद भाई के कबूतरबाजियाँ जो हैं, कबूतरबाजी और भाई जो हैं जितने भी हैं ये सारे इसके अंदर ढके हुए हैं। और आपका भाई जो है इंजॉय कर रहा है धूप को, जो क्या करें मेरे खुल नहीं रही धूप में ऐसे। धूप देखो तुम लोग, सूरज भाई भी निकल आए आज, शुक्रिया मेहरबानी नवाजे, इंशाल्लाह खुश रखे तो आपको निकल आए दूसरे सारे डेरे के बीच, थोड़ी मेहरबानी है, थोड़ा शुक्रिया, थोड़ी नवाजे, थैंक्स। यार धूप निकलने के बाद ना बाजार का माहौल तुम लोग देख रहे हो, और रश मश नज़र आ तो रहा है मुझे, लोगों के आमदर जो है वो शुरू हो चुकी है, और आसमान जो है फिर से नीला निकल आया है। आपके भाई का फेवरेट जो है मौसम वही। चाचा देखो यार, इतनी ज़्यादा उम्र में, इतनी ज़ैफ उम्र में कितना मेहनत से काम कर रहे हैं यार। अभी छोटा भाई गए हुए हैं खाना रोटी लेने के लिए, सालन जो है मैं सुबह साथ ही रहा था, आज हमने पकाया पाए तुम लोग वो भी दिखाता हूँ, तो गर्म भी करेंगे। पहले छोटा भाई आ जाए ना रोटी लेके, तो उसके बाद फिर खाते हैं। ये सालन शरीफ तुम लोग देख रहे हो, ये जम चुका है बिल्कुल, अब इसको मैंने गर्म करना है। सालन भाई को मैं रख देता हूँ इसके ऊपर, ये डोंगड़ू के ऊपर, ये देखा ये क्लिप, ये मेरी दुकान पर होता है, इसी से मैंने पकड़ा हुआ था इसे। अभी ये गर्म हो रहा है, गर्म हो जाते फिर खाते हैं भाई। गर्म हो चुके हैं, अभी हम सारण भाई को खाने लगे हैं, तो आप तब तक इंतज़ार करें। खाना अल्हम्दुलिल्लाह यार खा लिया हमने, और आज जो है ना यार सूरज कोई 20-22 दिन के बाद निकला है हमारे यहाँ। पिछले दिन में धूम थी और बादल थे, और काफ़ी मुश्किल थी यार, कारोबार बिल्कुल ठप थे। वो जो ताजे वाले हैं, चीज़ी वगैरह वाले, रक्षे रेड़े वाले, ये भी काफ़ी मुश्किल में थे यार, ये बेचारे भी दुआ कर रहे थे कि सूरज निकल आए। और वैसे भी यार बुजुर्ग वगैरह जो बैठा जाने लगे, जब वो कभी पाँव खराब हुए थे सर्दी की वजह से, हर बंदे के पाँव में दुख रहे थे, जिस समय डर था। ये अल्लाह का करम हुआ कि आज यार सूरज निकल आया जी, त्रिजी गलिए त्रिजी, ये अल्लाह का शुक्र। नैनो कैसा है? सेट है, ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। जो सॉरी यार सेट लगा दी मैं था, ये अल्लाह का शुक्र है कि सूरज निकल आया यार। चलो अल्लाह माने का कल अगर ऐसे धूप रही रवा हफ्ता ऐसे धूप निकल आई, तो फिर जो कारोबार भी सेट हो जाने हैं, क्योंकि देखो सूरज के साथ साथ जो बाजार की रूटीन देख रहे हो, बाजार बिल्कुल पहले तो खाली था, कोई बंदा ही नहीं था दोनों के दिनों में। अभी देखो चैनल पर शुरू हो गया, लोगों की रश वगैरह जो है बनने लग गए हैं, भाई सब सामने धूप लगवा रहे हैं बैठ के। आज क्या मजा आना पे धूप पे? बड़ा मजा आना है, देख के बड़ा मजा आना। अच्छा विजेंद्र भी को मजा आ। अच्छा साजी मजा आना पे धूप लगवा दा है ना? अल्लाह पाक ने बस तरी कटा परवरदिगार, रोल क्या है? हां चास दाडी याद है, सर्दी ने रोल लेते तू साथ आवे ना, सर्दी नहीं आंदी ते सर्दी नहीं आंदी। बाबू जाल दे जेरा चुआदा हाल है ना, मेरा दिल छींदे मैं भी जी जी आली का तो को मंजे कजा, लेकिन मेरे को पता है कि तुषा जेरे किस्म दे लो की वे ना, तुषा सोन मेरी वीडियो दे रिपोर्ट मार देवनी है, बस मैं इसी वजह को तो को मंडे ना कटेंडा, तो को अल्लाह ही जायज करे लैट दे ओ चा सवेरे दी शादी लैट कौन ऐसा बगैर लैट करे। ये मेरी चाय बना रहे हैं अमीन भाई, ये सारी मेरी नहीं है, इसमें से एक कप मेरा निकलेगा।
चाय का शौकीन हजरात बताना कैसी बना रहे हैं अमीन भाई चाय। पहले कभी न हमने कहा लो आज सनम ये कहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं। भाई लोग अशर का टाइम हो चुका है और मैं जो है नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और मैं चिप्स खा रहा हूँ इस बंदे से। हाल है भाई खरीद है तबीयत सेट है यार। चिप्स देखो ये पेशावरी चिप्स है काफ़ी मजे की होती है रेड रेड कलर का मसाला लगा हो तो इसके ऊपर 50 रुपये चिप्स दे लेकिन ज्यादा डेम है तेरी मैं पिछले रेट दुकानदारी करें दारियाँ पता होगी। हाल है भैया तो कर चाह हाथ लाच है मैं ठीक है सेट है नहीं यार जिंदाबाद ए मिल रही है चिप्स हमारी खत्म नहीं ए देखता पड़ा पूरा है ये देखिए पक रही है इसमें पचास पचास की दो जगह जी गरम गरम मसालेदार ये रिज़ा कहते हैं कर रिज़ा को जमा थी ना और का ढूंढ में मजे चिप्स हुए तो आप खा ही नहीं सकते हैं। बस कर रुलाएगा क्या यार चांद भाई जो नजर आ रहे तुम लोगों को ये भी निकल आए हैं ये आज 22 दिन के बाद हमने चांद को देखा है और तुमको पता है कि भाई यार ये चांद न देखने में लोग इस चांद को देख के गुजारा कर रहे थे इस चांद को यार ठहरे ठहरे ना मुझे याद आया कि मैंने एक लेना है फेस वाश क्योंकि फेस जाना मेरा वो खराब हो चुका काफी तो हमने उसको वाश करना है। भाई सर तबीयत चली है तभी खरीद एक फेस वाश तो दिखाओ चा अच्छी आला अच्छी कंपनी का काले रंग मिल दिता पिछली फेरी काले रंग का ए ठीक पी आई तो अनिफ को नहीं पता गोल्डन पर्ल में है ना ये फेस वाश तो अभी इसको ट्राई करेंगे इस बार किस तरह काम करना फिर बताऊंगा तुम लोगों को। उसके साथ ना फेस वाश के साथ मैंने ये सन सिल्क की जो है ये पुड़ियाँ भी ली हैं ये पैकेट जो है साशे हाँ साशे सॉरी यार साशे भी लिए हैं साथ में मैंने वही सोचा कि यार हनीफ मेरा जो दोस्त है ये मेरे साथ में ही है। हनीफ भाई कैसे हैं ठीक है खैरियत से है सेट है आपने चिप खा ली और मैं बाद में खा रहा हूँ। अच्छा यार यार मुझे पता नहीं था मैं खाता हूँ जरूर खाता हूँ यानी यार चिप्स खा रहे हैं हनीफ भाई मुझे बार बार कह रहे हैं चिप्स खाओ। अच्छा मैंने ये इसलिए लिया यार क्योंकि हनीफ भाई मुझे कह रहे थे कि आप वो जो बोतल है ना वो नहीं लो उसमें जो मिकदार होती है शैम्पू की बहुत कम होती है उससे अच्छे आपको ये पड़ेंगे पैकेट तो मैं कुछ 3-4 माह हो गए ऐसा नहीं मैं वो इनसे रेगुलर बस ये साशे लेता हूँ ये साशे है एक साशे है 4 ml का। अच्छा 16 साशे हैं 80 रुपए के। अच्छा 16 साशे 80 रुपए के और ये हो गए 80 ml। अच्छा, और 80 ml की जो बोतल है वो 190 रुपए की है। ये बहुत सस्ती पड़ती है 110 रुपए का फर्क है। साशे खरीदें असली साशे खरीदें सस्ता पाए। अच्छा हमको सिखा रहा है आपको असली साशे चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं हनी भाई की दुकान में आपको बता दूंगा किस जगह पे है आपको इनके पास चीज बिल्कुल एक नंबर और मुनासिब रेट में मिलेगी इंशाल्लाह। चले मैं थोड़ा चीज ट्राई कर लूँ हनी भाई के साथ खफा होते हैं। यार अभी जो है ना मैं घर पहुँचाया हूँ और आज मैं थोड़ा लेट आया यार मेरा दोस्त आया हुआ था बाहर से तो उसके साथ मैं बैठा रहा तो अल्लाह आपको नहीं कहते अभी जो है ना बल्ब बब्बू ने चेंज कर दिया येलो कलर का बल्ब लगा दिया है तुम लोग माहौल देख रहे हो सारा हमारे घर का येलो येलो हो गया और जी अब्बू भी बैठे हैं और अम्मी पका रही हैं फिर से क्या चीज़ पका रही है अम्मी मीठे पराठे पका रही हैं। ये क्या चीज़ पड़ी है कौन सी ये शाहपुर में चावल कहाँ से आया पड़ोसियों के यहाँ से किस पड़ोसियों के यहाँ से ये लोहा ले गए बड़ा इन्होंने दिया कहीं किस वास्ते पका रहे मलाई भी पड़ी है देखो ये चाय भी पड़ी है
और हमें फिर से मीठे पराठे पका के दे रही है हमें मजे मजे के। अरे मैं वो शैम्पू थे वो गिदम फेस वाले लगे दुकान थे भूल गया रखा मगू तो शटर बंद की कपाल है कपाल इंगली गुड़ा के याद है मतलब अभी यहीं पे है ना जो मैं व्लॉग करता हूँ एंड उम्मीद है तुम लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा है छोटा लेकिन फिर गुजारा कर लेना कल फिर बड़ी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। और यार वो किसी की फरमाइश थी कि किसी ने कमेंट किया है कि आपने स्टेट लाइन बिल्डिंग नहीं दिखाई, तो यार मेरी बातचीत चल रही है बंदे के साथ ना, उसने मुझे इसी हफ्ते का कहा था कि इसी हफ्ते में किस दिन आपको कॉल करूंगा फिर आप आ जाना और दिखा देना, तो फिर जाऊंगा विजिट कराऊंगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक तुम लोग इंतजार करो चलो अपना एक दो गिरद लवा हर बंदे का बहुत यार ये मुझे जुए नहीं है ये मैं सिर्फ इसकी वजह से कभी गर्म पानी के साथ नहा लूँ पता था आपका भाई रहा था जुम्मे के जुम्मे और कभी गर्म पानी से नहा लूँ तो सारा हफ्ता जो है ना मुझे ऐसे खारिश रहती है ये जैसे खुजाने की आदत पड़ गई है बाकी मुझे ये जुएँ वगैरह कुछ भी नहीं है। चलो मिलते हैं कल फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ असल को इजाज़त दो अल्लाह हाफिज़।